हेलो गाइस, आज जो बताना है एको इंश्योरेंस, बाइक का, कार का आप इंश्योरेंस ऑनलाइन आप परचेस करें, आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना, आपका रिन्यूअल करने का टाइम आ गया तो कैसे करना, आपको एक का बाद एक स्टेप बताएंगे। मैं विश्वजीत, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टैक टिप विश्वजीत। ऑनलाइन पेमेंट पूरा वीडियो आप देखिए, पूरा वीडियो में आपको एक का बाद एक स्टेप बताएंगे। चलिए शुरू कर रहा हूँ गाइज। लैपटॉप पे आ गया, लैपटॉप पे आने के बाद एको इंश्योरेंस का ऑनलाइन पेमेंट आप कैसे करना, आप घर में बैठ के को लाइव बताएंगे। आप कार का इंश्योरेंस लिए, बाइक का इंश्योरेंस लिए, आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहे, आप रिन्यूअल करना चाह रहे, कैसे करना आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे, एक के बाद एक स्टेप भी बताएंगे। मैं लैपटॉप पे आने के बाद गूगल कॉम में www.eco.com बोल के लिख लीजिए। लिखने के बाद सर्च करे, सर्च करने के बाद ये पेज पे आ जाते हैं। ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए, ये एको इंश्योरेंस का ऑफिशियल साइट है। ऑफिशियल साइट पे आ जाते हैं। ऑफिशियल साइट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए www.eco.com बोल के लिखे सारे, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ जाते हैं। ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन बोल के लिखे सारे, एकदम नीचे आ जाइए। यहाँ पे देखिए रिन्यू पॉलिसी बोल के लिखे सारे, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ जाते हैं। ये पेज पे आने के बाद जैसा आप इंश्योरेंस बनाया, कार का इंश्योरेंस, बाइक का इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस बनाया उसके साथ अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिए, वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ता। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के बाद एक ओटीपी आता, ओटीपी वेरीफाई करना पड़ता। मैं मोबाइल नंबर डाल के आपको बताएंगे, मैं मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ गाइस। देखिए जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो इंश्योरेंस के साथ लिंक है, मैं मोबाइल नंबर डाल दिए। डालने के बाद गेट ओटीपी जो लिखे सारे यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ जाते हैं। ये पेज पे आने के बाद अब जो मोबाइल नंबर डाले, मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया, मैं ओटीपी डाल देता हूँ, डाल के आगे बताएंगे। 6 7 गाइस देखिए ओटीपी नंबर डालने के बाद ये पेज पे आ गए। ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए जो कार का इंश्योरेंस है, यहाँ पे कार नंबर यहाँ पे बता रहे, तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप चेक कर सकते, आपका पूरा डिटेल्स आप चेक कर सकते। यहाँ पे पॉलिसी का, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करो तो यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते, ईमेल पे भी ले सकते, व्हाट्सएप पे भी ले सकते। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड को सिलेक्ट करो तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपका आ जाता है पॉलिसी का, आप क्या क्या पॉलिसी लिए, आप क्या पॉलिसी लिए, यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाता है, एड्रेस के साथ पूरा आ जाता। तो मैं यहाँ से बैक जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्लेम डिटेल्स बोल के आ गया। यहाँ पे पूरा देखिए जीएसटी के साथ कौन सा आप लेने का है, आपको रिन्यूअल कराना है। यहाँ पे देखिए रिनो नाम बोल के जो लिखे सो आ रहे, कौन सा प्लान आपका लेना है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिए से। मैं जो प्लान लेना चाह रहा हूँ 11,274 रुपीस जीएसटी के साथ ये रिन्यूअल करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे रिनो नाम बोल के जो लिखे सो आ रहे, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये पेज पे आ जाते, आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाता। यहाँ पे पॉलिसी के अंदर यहाँ पे जो 5 ऐड करने का ऑप्शन भी आपको मिल रहा है। यहाँ पे नीचे देखिए 2, यहाँ पे ऊपर देखिए 3, 2 मोर कवर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करे तो देखिए यहाँ पे 5 आपको ऑप्शन मिल रहा है, आप कौन सा आप लेना चाह रहे ऐड कर सकते। तो यहाँ पे मैं काट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे तीनों पे मैं ले ऐड कर ले रहा हूँ, 2 3, इसके अंदर 2 है, ये भी ऐड कर ले रहा हूँ। डन, मैं पूरा इसका अंदर ऐड कर लिए। यहाँ पे देखिए कितना अमाउंट हो गया, यहाँ पे बता दे रहे। यहाँ पे नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको देखने ना पड़ता क्या क्या है। पूरा देखने के बाद यहाँ पे देखिए 15,662 रुपये बाय ना बोल के लिखे सारे, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ जाती है। पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप कौन सा मोड से आप पेमेंट करना चाह रहे, यहाँ पे देखिए UPI ID, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, EMI कार्ड, हर चीज़ से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बोल के जो लिखे सारे, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए पहले आपका क्रेडिट कार्ड नंबर डालना पड़ता, उससे बाद क्रेडिट कार्ड का एक्सपायरी डेट डालना पड़ता, उससे बाद क्रेडिट कार्ड का पीछे जो CVV नंबर है, CVV नंबर डालना पड़ता। मैं क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर पूरा डाल के वो बताएंगे, मैं पूरा डाल दे रहा हूँ। गाइस देखिए क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स में डाल दिए। डालने के बाद पे नो बोल के जो लिखे सारे, यहाँ पे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद RBL बैंक का मैं क्रेडिट कार्ड यूज करा, RBL बैंक का पूरा यहाँ पे डिटेल्स बता रहे। नीचे देखिए पे नो बोल के लिखे सारे, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करो।
सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ जाती है। पेज पे आने के बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, ओटीपी यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। गाइस देखिए ओटीपी मैं डाल दिए, डालने के बाद नीचे देखिए सबमिट बोल के लिखे सारे सबमिट कर दे रहा हूँ। गाइस देखिए सक्सेसफुली मेरा पॉलिसी रिन्यूअल हो गया। यहाँ पे पूरा डिटेल्स दे दिए, पूरा डिटेल्स आप चेक भी कर सकते हैं। एको इंश्योरेंस जो पॉलिसी है, कार का इंश्योरेंस है, कैसे रिन्यूअल करना, पेमेंट कैसे करना ऑनलाइन, पूरा लाइव एक के बाद एक स्टेप बताया, पूरा डिटेल्स मेरे को मिल गया। आप डिटेल्स भी आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट को जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका जो पॉलिसी रिन्यूअल कराया, यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपका आ गया। ये पेंट करके आप रख सकते हैं। पूरा एक के बाद एक स्टेप आपको बता कैसे रिन्यूअल करना है, हर चीज आपको बताया। ऑनलाइन पेमेंट करने का पूरा चीज आपको एक के बाद एक बताया। आपका ईमेल आईडी पे भी आपको मिल जाते, आपका जो मोबाइल नंबर दिए उसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज भी आपको मिल जाते। कहाँ पे जाने का भी जरूरत नहीं पड़ती, आप घर में बैठ के रिन्यूअल कर सकते। आपके पास लैपटॉप नहीं है बोले तो फोन से भी कर सकते। फोन में जाके गूगल फोन ओपन करिए, डिस्टर्ब मोड ऑन करिए, करने के बाद आपको पूरा सिस्टम वहाँ पे मिल जाते, लैपटॉप का जैसे ही पूरा सिस्टम आपको मिलता। गाइस पूरा वीडियो में आपको बताया एको इंश्योरेंस का ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना, आपको पूरा एक के बाद एक स्टेप बताया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कोई सवाल रहे तो कमेंट करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय, टेक केयर।